नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। सदन में दंतेवाड़ा के दिवंगत विधायक भीमा मंडावी, संतोष कुमार अग्रवाल, बलराम सिंह ठाकुर को श्रद्धांजलि दी गई। स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी और इस सत्र में कुल 6 बैठकें होनी है, जबकि विधानसभा का मानसून सत्र 19 जुलाई तक चलेगा। तो सीधी तस्वीरें आपको सदन की कार्यवाही की दिखा रहे हैं। बार बार इस बात पर हम बोलते थे, आज उनके परिवार के साथ, आज उनके साथ, हमारे सारे सदन के साथ और उनकी यादें रह गई हैं हमारे साथ। आदरणीय बलराम सिंह जी, मेरे परिवार के साथ उनको बहुत बड़ा नाता था। शायद मैं जिस दिन से पैदा हुआ तब से मेरे पिताजी के मित्र थे और उनके साथ जिस दिन से चलना सीखे तब से बलराम सिंह जी को देखा है करके। SBIR कॉलेज के अध्यक्ष से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी करके। बिलासपुर के मेयर, 2 बार विधायक और महामाया मंदिर का जो स्वरूप सारे सदस्यों ने कहा, जो आज हम देखते हैं, सिर्फ बलराम सिंह जी की देन है। इसके साथ साथ हम सभी विधायकों को उनकी जो निर्भीकता से वो राजनीति करते थे और राजनीति के साथ साथ उनसे बहुत सारी चीज सीखने को थी करते। कोई उनके पास जाता था तो बोलते थे, ला का कागज में कहा लिखना है, मैं तो तोर विधायक हूं ना, जे लिखना है लिखवा दे मुझसे, मैं दस्तखत कराता हूँ। जिस पारिवारिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से वो आते थे उसके बाद भी कहीं पर उनके हिचक नहीं होता। पुत्रवत स्नेह उनका हम लोगों को मिला। जब बीमार थे तब भी हम लोग हॉस्पिटल में उनसे जाके मिले थे और तब भी बहुत हंसते हुए बात करते थे। तो ऐसे व्यक्ति के जाने से निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और तीनों जो सदस्य पूर्व सदस्य रहे हैं, डॉ संतोष अग्रवाल जी, ठाकुर बलराम सिंह जी जो पूर्व सदस्य और भीमा मंडावी जो हमारे वर्तमान विधानसभा के सदस्य रहे हैं, तीनों को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमेशा पुत्रवत स्नेह उनका हम लोगों को मिला। जब बीमार थे तब भी हम लोग हॉस्पिटल में उनसे जाके मिले थे और तब भी बहुत हंसते हुए वरिष्ठ सहयोगी रूपेश गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। रूपेश जी, सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई है, क्या और जानकारी? देखिए, 3 सदस्य हैं जिनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और चौथी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माता जी हैं, जिनका अभी हाल ही में कुछ दिन पहले निधन हुआ है। और जो 3 सदस्य हैं उसमें से 1 सदस्य मौजूदा सदस्य हैं, भीमा मंडावी तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनको याद कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमको तय करना होगा इस सदन को कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से कैसे खत्म हो, ये चीज तय करनी होगी, ये प्रण करना होगा। और कहीं ना कहीं नक्सलवाद को लेकर के चिंता भारतीय जनता पार्टी की दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल रही, कोशिश भी बहुत की, लेकिन वो नक्सलवाद पर नकेल नहीं कर पाई। तो अब पक्ष और विपक्ष मिलजुल कर किस तरीके से नक्सलवाद को कुचले, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कहीं ना कहीं चिंता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके अलावा 2 और सदस्य, संतोष पांडे और बलराम सिंह, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और छत्तीसगढ़ की विधानसभा, लेकिन इन दोनों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके अलावा भूपेश बघेल की माता, इन 4 को अभी श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम चल रहा है। और चूंकि भीमा मंडावी मौजूदा विधानसभा के सदस्य थे, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इनको श्रद्धांजलि देने के बाद आज के लिए सदन स्थगित कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि ये महामाया का आशीर्वाद था जो उन्हें मिला हुआ था। उनके अंदर जो भक्ति थी, जो इस मुकाम पे आज मंदिर है, तो महामाया की कृपा स्वयं महामाया थी जो उनसे कराती थी।
सभी ने कहा, मैं कहना चाहूंगी कि वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जिंदा दिल थे,